देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी है। फरवरी महीने में दर्ज हुए तापमान ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिन के साथ अब रात में भी गर्मी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। दिल्ली में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम का मिजाज कुछ इस तरह का है जैसा मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में होता है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान में थोड़ी कमी आई, इसके बावजूद ये सामान्य से 7 डिग्री अधिक रहा। ये कमी भी 2 से 3 दिन रहेगी। 26 और 27 फरवरी से एक बार फिर तापमान बढ़कर 33 डिग्री पर पहुंच सकता है, यानी ये फरवरी सबसे गर्म रह सकती है। इस फरवरी में ऐसे दिनों की संख्या भी सबसे अधिक हो सकती है जब तापमान 30 डिग्री से ऊपर रहेगा। फरवरी के बचे हुए दिनों में तापमान 30 डिग्री से नीचे पहुंचने की कोई संभावना नहीं है। आज आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 14 डिग्री रह सकता है। 23 फरवरी को अधिकतम 30 और न्यूनतम 14 डिग्री तक रहेगा। इसके बाद 24 फरवरी से तापमान में इजाफा होगा। अधिकतम 31 और न्यूनतम 13 डिग्री रह सकता है। 25 फरवरी को अधिकतम 32 डिग्री पर पहुंच जाएगा। इसके बाद 26 और 27 फरवरी को अधिकतम तापमान एक बार फिर 33 डिग्री के स्तर पर पहुंच सकता है। स्काईमेट के अनुसार वेस्टर्न डिस्टरबेंस पहाड़ों से आगे बढ़ रहा है, जिससे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हल्की ठंडी हवाएं पहुंचनी शुरू हो रही हैं। इसकी वजह से न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री और अधिकतम तापमान में मामूली कमी आई। अगले 4 दिनों तक उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदान किसी भी वेदर सिस्टम से प्रभावित नहीं होंगे। पतले बादलों की परत बुधवार से आने की संभावना है। अगले वेस्टर्न डिस्टरबेंस 25 फरवरी के बाद पारा फिर से चढ़ने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो फरवरी महीने में 5 से 6 वेस्टर्न डिस्टरबेंस आते हैं। इस बार भी आए, लेकिन ये बहुत अधिक कमजोर रहे। इसकी वजह से न तो मैदानी क्षेत्र में बारिश हुई और न ही पहाड़ों में बर्फबारी। यदि बारिश होती तो फरवरी महीने में इतनी तेजी के साथ तापमान नहीं बढ़ता। आने वाले दिनों में किसी मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना भी नहीं बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली।